हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने मोटी वाली हरी मिर्च के अचार की झटपट से तैयार होने वाली एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। खिचड़ी एक बहुत ही पौष्टिक आहार है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग खिचड़ी खाना पसंद नहीं करते। यकीन मानिए, अगर आपने एक बार मेरा मिर्च का अचार अपनी इस खिचड़ी के साथ खा लिया तो खिचड़ी आपका फेवरेट फूड बन जाएगा। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए मोटी वाली हरी मिर्च, अचार का मसाला, नमक, हींग, हल्दी, अमचूर पाउडर और सरसों का तेल। सबसे पहले इन हरी मिर्ची को अच्छी तरह से धोकर धूप में या पंखे में सुखा लीजिएगा। उसके बाद हम सारी हरी मिर्चों की पीछे वाली स्टेम को हटा देंगे। अगर हमने स्टेम नहीं हटाई तो हमारा अचार सड़ सकता है। उसके बाद हम सब हरी मिर्चों में लंबाई में एक कट लगाएंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम दूसरी स्टफ वेजिटेबल्स में लगाते हैं। अब बारी आती है मसाला बनाने की। हम एक प्लेट में अपने सारे मसाले निकालेंगे और फिर उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये तैयार हो गया हमारा अचार का मसाला। अब इस मसाले को हम अपनी मिर्चों में बिल्कुल दबा दबा के भरेंगे। एक एक करके हम अपनी सारी मिर्चें भरेंगे और इसे उसी जार में रखेंगे जिसमें हमें अचार स्टोर करना है। एंड मेक श्योर दैट योर जार इज क्लीन। और मिर्च रखने से पहले इस खाली जार को पहले थोड़ी देर धूप दिखा दीजिएगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन अभी ये तैयार नहीं है। इसे आप या तो ओवरनाइट या फिर कुछ घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जो इसमें हमने नमक डाला है अचार के मसाले में वो इन मिर्चों को थोड़ा गला देगा। जब ये मिर्च थोड़ा नीचे बैठ जाएंगी तब आप इसमें करीब 100 ml सरसों का तेल डालिएगा और फिर इसे 5-6 दिन की धूप दिखा दीजिएगा। और धूप दिखाने के बाद स्टोर करने से पहले अगर आपको इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी है तो आप इसको अच्छी तरह सरसों के तेल से कवर कर दीजिएगा। देखिए तैयार हो गया हमारा मोटी वाली हरी मिर्च का अचार। एक बार जरूर ट्राई करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।